तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एसकेएम सुनील क्लासेस में। और हमारे द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में मिस होते हैं, तो इस क्वेश्चन में अभी तक हम पहुंचे हैं जल संधियों के बारे में, क्योंकि जल संधियों के बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो वहां तक मैं अभी तक पहुंच चुका हूं। और जो इसके पहले कुछ जल संधियों के बारे में भी लेक्चर बनाए गए हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और भी टॉपिक पे जो लेक्चर बनाए गए हैं, तो उन लेक्चर्स का आप देख सकते हैं। उन लेक्चर्स को देखने के बाद आपको बहुत ही फायदा होगा, और बिल्कुल आप उन लेक्चर्स को मिस मत करिएगा। हमारा जो आज का टॉपिक है जल संधियों के बारे में ही चल रहा है, तो इस टॉपिक में कुछ इम्पोर्टेंट जल संधियां मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे कि कुछ पहली है कुक जल संधि। तो जैसा कि नाम से ही है, कुक जो एक न्यूजीलैंड के बैट्समैन थे, तो उनके नाम से हम याद कर सकते हैं कुक बैट्समैन। कुक न्यूजीलैंड की जल संधि है, और ये जल संधि दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। तो हमारा जो साउथ पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, तो SOUTH साउथ पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर। तो साउथ मतलब दक्षिणी प्रशांत महासागर में ये जल संधि है। और सुंडा जो आती है नेक्स्ट, वो आती है सुंडा। सुंडा जल संधि इंडोनेशिया में है माय फ्रेंड्स, ये इंडोनेशिया है, ठीक है, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में है सुंडा जल संधि की अगर हम बात करें, तो सुंडा जल संधि इंडोनेशिया में है। और ये जो है सुंडा जावा सागर एंड हिंद महासागर में है, जावा सागर एंड हिंद महासागर को मिलाती है। तो जावा सागर एंड हिंद महासागर, जावा सागर एंड हिंद महासागर को जल संधियां वो होती हैं दोस्तों, जो डिफरेंट टाइप की दो जल राशियों को मिला जहां पे मिलती हैं, उसे हम जल संधि कहते हैं। और टोकरा, जो टोकरा है जापान में है, इसको भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। टोकरा जापान की जल संधि है, जापान में है। और जो टोकरा जल संधि है माय फ्रेंड्स, ये पूर्वी चीन सागर एंड प्रशांत महासागर में है। तो टोकरा पूर्वी चीन सागर, जो पूर्वी चीन सागर है एंड प्रशांत महासागर में है, ठीक है, पूर्वी चीन सागर एंड प्रशांत महासागर में है, ओके। जो नेक्स्ट आती है वो है युकाटन। युकाटन है, अगर हम युकाटन की बात करें, तो युकाटन हमारी जो जल संधि है, युकाटन जल संधि है मेक्सिको और क्यूबो। ये यहाँ पर है मेक्सिको एंड क्यूबा, मेक्सिको एंड क्यूबा, मेक्सिको और क्यूबा देश को मिलाती है। और ये युकाटन जल संधि है। अगर हम युकाटन जल संधि की बात करें माय फ्रेंड्स, तो युकाटन जल संधि मेक्सिको की खाड़ी व कैरिबियन सागर के बीच है। तो मेक्सिको की खाड़ी बे ऑफ मेक्सिको, मेक्सिको की खाड़ी एंड कैरिबियन सागर, वहां पर एक कैरिबियन सागर है, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो जल संधि है कैरिबियन सागर, तो इसको हम बोलते हैं युकाटन, युकाटन जल संधि है। एंड जो नेक्स्ट जल संधि है, नेक्स्ट जल संधि का नाम है ओरंटो। तो ये ओरंटो जल संधि है, ओरंटो जल संधि इटली और अल्जीरिया, इटली और अल्बानिया एक देश है। तो ये इटली एंड अल्बानिया, मैं कोशिश करूंगा वीडियो की क्वालिटी अच्छी बनाने के लिए, क्योंकि मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूं, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम जरूर हो रही होंगी, मैं समझ पा रहा हूं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से देख पाए। तो इटली एवं अल्बानिया के बीच ये जल संधि है। तो ये ओरंटो जल संधि एड्रियाटिक सागर हुआ आयोनियन सागर में है, ठीक है, एड्रियाटिक सागर हुआ, तो एड्रियाटिक सागर। और जो उसके पास ही एड्रियाटिक सागर के पास एक है आयोनियन, तो आयोनियन एंड आयोनियन सागर। एड्रियाटिक सागर एंड आयोनियन सागर के मध्य ये, ठीक है,
जो हमारा नेक्स्ट है नॉर्थ चैनल, तो नॉर्थ चैनल जो जल संधि माय फ्रेंड्स, नॉर्थ चैनल जल संधि है आयरलैंड एंड इंग्लैंड के बीच, तो इसको आप इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आयरिश सागर एंड अटलांटिक महासागर के बीच है। आयरिश सागर एक है, आयरिश सागर एंड अटलांटिक महासागर के बीच, ठीक है। और हारमुज जो है, हारमुज जल संधि है ओमान और ईरान के बीच है, तो हारमुज सागर ओमान और ईरान, फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के बीच है, फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के बीच हारमुज है। तो आप लगातार इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।